जी नजर डालें अगर बेस मेटल्स के बाजार की तरफ, देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स के अंदर शानदार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। MCX जिंक 4.5% की तेजी के साथ 295 पर, MCX निकल 1.5% पर 1502 के स्तर पर और लेड 183 पर है। कॉपर भी देख रहे हैं कि 1.5% की तेजी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में $4.5 तक के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में जो अचानक से तेजी बनती नजर आई है, क्या ये इस पूरे सप्ताह कायम रह जाएगी? देखिए बिल्कुल अखिलेश, अभी तेजी जो है वो रुझान कॉन्टिन्यूशन में है और लगातार मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनी रह सकती है। जिस तरीके से बाजारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम बना है और आप कॉपर को देखिए, लगातार हम कहते आ रहे हैं कि 700 के ऊपर जब तक सस्टेन है तेजी पकड़ेगा। और आप देखिए 767 का लेवल जो है कॉपर ने भी छू दिया है, निकल वापिस से 1500 के ऊपर जा चुका है, जिंक में अच्छी तेजी आई है। जिंक तो आप कहिए देखिए 292 के पार चला गया है, तो जिंक में बहुत अच्छा जो बुल रन है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। 2.5 साल की ऊंचाई पर इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंच चुका है और 13 साल की ऊंचाई पर एल्यूमिनियम की कीमत पहुंची है, तो ओवरऑल सब जगह पर तेजी है। दरअसल महंगाई बढ़ने की आशंका से बेस मेटल में तेजी देखने को मिली है और जो एनर्जी की कीमतें बढ़ रही है इससे भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। तो जो अब सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है कि ना केवल डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सब जगह पर महंगाई का खतरा बढ़ गया है, उसके चलते सभी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स भी लगातार तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी के साथ आज भी 5-5, 6-6% का अपसाइड मोमेंटम है। डोमेस्टिक मार्केट भी आज तेजी के साथ खुले हैं। जिंक तो ऑलरेडी 5% के तेजी आज सुबह खुलते ही बाजारों में दिखा रहा है। कॉपर में भी तेजी है, निकल में भी तेजी है, तो सभी बेस मेटल्स में निचले स्तर पर बाइंग की ही रणनीति होनी चाहिए। एज यूजुअल मैंने हमेशा ही ये रिकमेंड किया है कि बेस मेटल्स के अंदर आपको जब भी डिप मिलती है आप उसके अंदर बाइंग करके चलिए, आपको आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाइंग किया होगा आज उनको अच्छा मुनाफा हो भी रहा होगा। तो अभी भी बेस मेटल में काफी पोटेंशियल है और अगर ये महंगाई और बढ़ती है जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है तो सभी जगह पर कीमतों में उछाल आता हुआ दिखाई देगा जी।